ये हम आ गए हैं अपने कोरल में, हमने पेज बना लिया। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल ड्रैग किया। जी हाँ, हमने रेक्टेंगल ड्रैग किया और इसे हम अभी सेंटर में कर लेते हैं। और फिर आते हैं यहाँ से, हम टेक्सचर फिल टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सैंपल सिक्स में गए। सैंपल सिक्स में जाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें कलर यहाँ पे फिल करना है। जी हाँ, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी सेलेक्ट करने के बाद स्काई में जाएंगे। यहाँ से हम कलर ले लेंगे अपना जो हमें चाहिए, हल्का ब्लू कलर। और यहाँ से भी हमें प्रीव करके देख सकते हैं। और सेकंड देखिए हम यहाँ से, और सेकंड लाइन में भी हम कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वाइट ही रखते हैं। ओके, अब हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल में जो है कलर्स फिल हो गए हैं। तो हम इस रेक्टेंगल को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं जिससे कि उसका हाइट और विड्थ थोड़ा अच्छा दिखने लगे। जी हाँ, तो ये हाइट विड्थ लगभग ठीक लग रहा है। अभी जो फिल है वो बराबर है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। इसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर बॉटम में। फिर आते हैं हम इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ये पैनल आ जाता है। यहाँ से हम फुल कलर पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन हमें यहाँ से टू कलर लेना पड़ेगा। टू कलर पैटर्न लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं फिल हो गया ऑटो फिल। इसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो फिल हमें चाहिए और यहाँ से हम इसकी साइजेस जो है अलग अलग कर लेते हैं। 15 15 कर लिए तो इस तरह से जो है एक डिज़ाइन बन गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा हल्का कलर ले लिया हमने। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। आप यहाँ से हम एक्सपोर्ट, जो हमने अभी डिज़ाइन बनाया उसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कमांड का यूज़ करके ये हम लोकेशन ले लेते हैं, इसका ग्राउंड रीनेम कर लेते हैं। ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया डेस्कटॉप पे अपने। ठीक है, ये जो सेलेक्ट हुआ है डिज़ाइन इतना ही जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस ओके। तो अभी ये इतना डिज़ाइन जो है यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप पे। अब हम इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। ये हमने फोटोशॉप में ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या है, ये देखिए कंट्रोल, ये हमने अभी सी दबाया और क्रॉप क्रॉप करके इसको थोड़ा इस तरह से कर लिया। अब हम आते हैं बैकग्राउंड पे, डबल क्लिक करके उसको लेयर में परिवर्तित कर लिए और ये कंट्रोल टी प्रेस करके हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं कंट्रोल बटन के साथ में। जी हाँ, कंट्रोल टी प्रेस किए तो ट्रांसफॉर्म आ गया और उसे हमने अभी अप्लाई करके ओके कर दिया। ये हम ताकि उसको थोड़ा आगे से टेढ़ा किए जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ ये जमीन है, ये फर्श के जैसा दिखने लगे। जी हाँ, अब देख सकते हैं आप इसका शेप जो है बिल्कुल फर्श की तरह दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिज़ाइन हो गया। अभी इसको हम और थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं जिससे कि परफेक्ट लगे, एकदम परफेक्ट दिखाई दे वहाँ पर जहाँ पे हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, इसे थोड़ा और इधर से भी काफ़ी लंबा दिख रहा है एक बार, और हाँ इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। थोड़ा और बड़ा करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन दिखने लगा है। क्या करना होगा अभी, चलिए ये इतना हो गया रेडी। अब इसे हम सेव करना चाहेंगे। अभी भी थोड़ी कमी लग रही है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और सेव एज कर लेते हैं। सेव एज कर लेते हैं, अभी भी नहीं सेव हुआ है। थोड़ा अंदर की तरफ दबाया, ओके किया और ये हमने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया है, इसको ऊपर नीचे हर तरह से क्रॉप कर रहे हैं और एक क्रॉप कर दिया। अब हम आते हैं सेव, ये हमने सेव एज पर क्लिक किया और डेस्कटॉप पर लोकेशन लेकर के हमने इसको सेव कर दिया। तो ये डिज़ाइन जो है अभी जो हमने इसको कस्टमाइज किया है
वो डेस्कटॉप पर सेव हो गया। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल आई से हम इंपोर्ट कमांड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल आई हमने प्रेस कर दिया है। अब हम यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने लोकेशन सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारा जो अभी हमने सेव किया फोटोशॉप में अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो यहाँ मिलेगा। किधर गया, किधर गया? हाँ ये रहा, इसको हमने सेलेक्ट किया और इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर के हम उसको क्लिक कर दिए। इस तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारे पास आ गया जो कि हमने फोटोशॉप में मॉडिफाई किया था। अब यह एक फर्श की तरह दिख रहा है आगे आगे से मतलब पीछे से आगे की ओर जाता हुआ। अब हम इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बड़ा करेंगे और सेलेक्ट करके जाएंगे हम यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और आएंगे इफेक्ट मेनू में। यहाँ से पावर क्लिप कमांड सेलेक्ट करके इसको हम पावर क्लिप से के द्वारा इस पहले वाले इमेज में ये कर देंगे, फिल कर देंगे और उसे और व्यवस्थित कर लेते हैं एक बार। हाँ इस तरह से अब हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बनाया छोटा सा जिसे हम एक पाइप का डिज़ाइन देना चाहेंगे, जैसे लगे कि एक पाइप है कोई, जिससे कि ये दोनों आपस में इस तरह से जो दिख रहा है ये नहीं दिखे, ऐसा लगे कि हाँ मर्जू है। ये हमने फाउंटेन फिल यूज़ किया। यहाँ से दो कलर हमने ले लिए हैं कस्टम ब्लैक वाइट एंड ये देखिए। अब ये एक पाइप की तरह हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे इसके बाद में वो स्काई है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है दोनों। वापस आते हैं, पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्टार स्टार सेलेक्ट करके हमने स्टार ड्रॉ कर लिया और इसके नोट जो है हमने बढ़ा लिए हैं यहाँ पे और उनको अंदर की तरफ एक बार इस तरह से कर लिया हमने। और इनकी फिल जो है वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद हम इसे यहाँ लाते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं, ये उस अनुपात में कर लेते हैं जिसमें कि अच्छा लगे। और चूँकि इसे हमें हल्का करना और ब्लर करना, ब्लर करना है तो इसके लिए अभी हम इसे सेलेक्ट करके बिट मैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप करके ओके कर देंगे तो ये थोड़ा सा ये ब्लर दिखने में। अब वापस आएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट में जा करके हम जुसेन ब्लर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका जो है रेडियस अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करके ये देखिए इस तरह से और थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है, नहीं ये काफ़ी अधिक हो गया। हाँ ये कुछ थोड़ा जी हाँ, आप ओके कर लेते हैं तो यह एक चमकता हुआ एक स्टार जैसा जैसे लाइट का इफेक्ट आ गया। अब इसे हम सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा छोटा करेंगे और इसे अभी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरे जो स्काई का डिज़ाइन है वहाँ वहाँ पर प्लेस कर देते हैं छोटा बड़ा करके। देखिए इस तरह से फटाफट ये हमने कर दिया ओके। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा इसको टेढ़ा टेढ़ा कर देते हैं जिससे कि लगे कि हाँ अलग अलग हैं, बिल्कुल सेम नहीं दिखे। तो ये इसको भी यहाँ कर देते हैं और ये हमारा रेडी हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपके विचार आपके सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक अलग डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।